हेलो, नमस्कार साथियों। मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल Study24 ऑफिशियल में। तो साथियों, आज काफी इंपोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, और इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किया, तो छोटा सा क्लिक बहुत एनर्जी देता है, तो क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह के और भी जो टॉपिक्स हैं, डी ट्रिपल एस बी से जुड़ी हुई है, आपके स्टेट में कोई भी अपडेट, कई बार ऐसा होता है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते तो अपडेट मिल नहीं पाती, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद साथियों, अभी एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही है डी ट्रिपल एस बी से, और इससे पहले मेरे पास बहुत सारे साथियों के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि सर वैकेंसीज कब आएंगी, आपने कब का बोला था, ये सारी चीजें। देखो, मैंने एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर से भी बात करी थी, हमारे कुछ कैंडिडेट्स वहां पे गए भी थे, तो अशोक अग्रवाल सर ने बोला है कि एक्शन लेंगे उसमें, लेकिन अभी जो सिचुएशन आपको पता है कैसी चल रही है, लेकिन फिर भी जो प्रयास हो रहा है हम लोग अपने लेवल से कर रहे हैं, और यही है, होपफुली बहुत जल्द आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हो। तो और इसके बाद और भी कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर केवीएस में वैकेंसीज, तो केवीएस का भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो केवीएस के अंदर वैकेंसीज हैं वो भी आएंगी 7,000 के लगभग। वो हमने नहीं बोला, वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, मतलब जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ट्वीट वगैरह करके वो बताया। तो आप ऐसा नहीं, आप लोग अपने लेवल से भी चेक कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बातों पर बिलीव करें, लेकिन बिलीव करने वाले करते हैं। तो अभी एक अपडेट ये है, दिल्ली के अंदर जो कोरोना है उसका कहर काफी ज्यादा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं देश के अंदर। और सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप, जैसे होता है ना पब्लिक प्लेस पे इकट्ठा होना, तो आप ये अवॉइड करें, ज्यादा भीड़ भाड़ कहीं पे ना दिखाएं, और जो अपने हैंड है अच्छे से वॉश करें, मास्क लगाएं, तो ये सारी सेफ्टी आप लोग करें। तो पहले क्या हुआ था, स्कूलों में, दिल्ली के स्कूलों में बच्चों की छुट्टी कर दी थी कि उनको स्कूल नहीं आना, और ये काफी गलत भी था कि टीचर्स स्कूल में जा रहे थे। क्या टीचर्स को वायरस नहीं हो सकता? इस पर हमारे एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने भी आपत्ति जताई थी, हमें भी काफी दुख हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ है, 31 तारीख तक, 31 तक जो दिल्ली के अंदर टीचर्स हैं उनकी भी छुट्टी है, वो चाहे टीचिंग या नॉन टीचिंग कोई सा भी स्टाफ है, तो 31 अप्रैल तक उनकी भी छुट्टी है। ध्यान रखिए, अपने आसपास ये इंफॉर्मेशन दे दीजिए, और आई होप आप लोगों को पता भी होगा। तो यही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते था, और अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम और भी डिस्कशन कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।